आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? हम यहाँ से लेटरिन करने गए थे तो वहाँ हम सीवर में बैठ पाए, तो वहाँ पर थोड़ी आवाज़ हुई तो हम डर की वजह से बाहर निकले, पानी रखा था हमसे फैल गया और हमारे सिर में डंडा मार दिया कुछ पीछे से और हमारा मुंह दबा लिया। उधर हमें खेत में ले गए, हमारे हाथ दबा लिए, मुंह दबा लिया। और हमारे कपड़े अपड़े फाड़ दिए। जिन लोगों ने आपके साथ इस घटना को अंजाम दिया है, क्या उनमें से किसी को आपने पहचाना है? हाँ। क्या नाम है उनके? किस गांव के रहने वाले हैं? नगला नया। ये शाम को कितने बजे की घटना है? 8:30। तो आप अपने लेटरिन करने के लिए घर से कितनी दूर गई थी? थोड़ी दूर है, ट्यूबवेल है हमारा पास में ही। तो आपने चीख पुकार मचाई क्या? हाँ, जब हमारा मुंह ही बंद था तो जब वो लोग चले गए तब हम चिल्लाने। तो आपके साथ किसी गलत घटना को भी अंजाम दिया है उन लोगों ने? हाँ। आपके साथ जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है कितने लोग थे? 4। उनमें से किसी एकाध व्यक्ति को आपने पहचाना है क्या? हाँ। कहाँ के रहने वाले थे, उनके नाम क्या थे? नगला नया के थे एक मनोज और झीला के थे पंकज। तो जिस टाइम इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया तो आप शौच क्रिया के लिए गई हुई थी? हाँ। आपका नाम क्या है? अनिल बाबू। किस गांव के रहने वाले हो? नगला कनई। ये जो आपके यहाँ घटनाक्रम हुआ है, ये घटना देने वाले जब आपने अपनी बहन या जो लगती है उस बच्ची की चीख पुकार सुन के आप जब मौके पे पहुँचे तो आपने क्या पाया? मैंने जब उसकी चीख सुनी तो मैंने उसे उसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं पाया। और फिर मैंने और उधर भी हमारा छोटा भाई है, फिर मैंने थोड़ी आगे चल के भी देखा, उधर जो फसल खड़ी है उसमें जाके देखा तो चारों तरफ देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं उसे उठा के घर ले आया। क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? जी, उसने दी थी। पुलिस मौके पे आई? नहीं, आई थी करीब 15-20 मिनट आ। पुलिस ने मौका मुआयना किया? बिल्कुल। आपने लिखित तहरीर दी है, नामजद दी है या अज्ञात लोगों के खिलाफ दी है? नाम दर्ज। क्या उनमें से आप आपकी बहन पहचान पाई थी? बिल्कुल। वीडियो कर लो फोटो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।